टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा पोस्टपोन हो गया है। मस्क 21-22 अप्रैल को दो दिनों के भारत दौरे पर आने वाले थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP की तरफ से आज यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2024 जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादी को वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने अमेठी छोड़ा, वैसे ही वायनाड छोड़ेंगे। आरएनटी नेता मलुक नागर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नागर ने कहा कि पिछले करीब 65 साल में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का शोषण किया है। बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी ताजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हल्दिया के सुपरमार्केट में भीषण आग लगी है। आगजनी की इस घटना में कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे वह वृंदावन छटीकरा मार्ग स्थित प्रिया कान जू मंदिर के नजदीक एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक टीम सर्वेक्षण के लिए धार में भोजशाला परिसर पहुंची। ASI ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग हुई। यहां कुल 69.40% मतदान दर्ज किया गया। धर्मपुरी में सबसे ज्यादा 81.48% मतदान हुआ। आज अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के सपोर्ट में दोनों नेता रैली करेंगे। ओडिशा से एक बड़े हादसे की खबर है। शुक्रवार को झारसुगुड़ा में महानदी में नाव पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 48 लोगों को बचाया गया। पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई कस्टम ने 5.71 करोड़ रुपए मूल्य का 9.482 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया है। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली, जहां ट्रंप पर मुकदमा चल रहा है। एक गवाह ने बताया कि अधिकारियों द्वारा आग बुझाने के लिए दौड़ने से पहले उसने पर्चे फेंके थे। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक दक्षिण कन्नड़ जिले में इसके कुल 1083 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 5.67 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। शेयर बाजार में यह सप्ताह गिरावट वाला रहा। 5 दिन बाजार के नुकसान का सामना किया। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसी बाजार की कुछ श्रेणियों को पहले से गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पा 2 की कमाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लू अर्जुन की फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आई है। बीते दिन 19 अप्रैल को विद्या बालन प्रतीक गांधी इलियाना डेक्रूज और सेंथिल राममूर्ति स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म ने 9 दिनों में जितनी कमाई की है उससे ये तो साफ है कि इस फिल्म में अब ज्यादा दम नहीं रह गया है। जबकि मैदान फिल्म का हाल भी कम बुरा नहीं है। ये फिल्म भी अपनी बजट का खर्चा नहीं निकाल पा रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।